मंदिर में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से रचाई शादी, वीडियो वायरल। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं पी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आखिर मोहब्बत में टूट गई धर्म की दीवार, प्यार पाने के लिए मुस्लिम लड़की ने तोड़ी मजहब की दीवार। मंदिर में हिंदू लड़के से शादी रचा, साथ जीने मरने की खाई कसमें, प्यार को परवान चढ़ा तो यूपी से सफर कर पहुंची बिहार। प्रेमिका ने घर वालों से खतरा बताते हुए वीडियो किया वायरल। लड़की के परिजनों ने अपहरण का मामला किया दर्ज, प्रेमी प्रेमिका को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। कहावत है, अगर इश्क हो जाए तो जाति, धर्म और मजहब सब भूल जाते हैं। इसी का जीता जागता सबूत समस्तीपुर में देखने को मिला है, जहां मंदिर परिसर में मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म के प्रेमी के गले में वरमाला डालकर उसे अपना जीवन साथी बना लिया और वीडियो वायरल कर अपने परिवार वालों से खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। दरअसल समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना क्षेत्र के बेहट गांव निवासी कैलाश चंद नाम का युवक अपनी रोजी रोटी के लिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मजदूरी कर जीवन यापन के लिए काम शुरू किया। कुछ महीने बाद पड़ोस में रह रही सिद्रा नाज नाम की युवती से कैलाश चंद को आंखें चार हुई, दोनों साथ में जीने मरने की कसमें खाली। दोनों प्रेमी जोड़े जाति, धर्म, मजहब से हटकर एक मिसाल कायम कर दिया। सिद्रा नाज उत्तर प्रदेश के बिजनौर से चलकर बिहार के समस्तीपुर जिले में कैलाश चंद से हिंदू रीति रिवाज से समस्तीपुर के एक मंदिर में शादी कर लिया। प्रेमिका सिद्रा नाज का कहना है कि कैलाश चंद से लगभग 2.5 वर्ष से प्रेम करती थी और घर वालों को भी इसकी भनक लग गई थी। सिद्रा नाज मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती है, जिस कारण उनके परिवार वाले शादी के खिलाफ थे। समाज परिवार सभी को छोड़कर अपना नया जीवन की शुरुआत की है। हालांकि इसी बीच प्रेमिका के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने प्रेमी के घर दोनों को गिरफ्तार कर ले गया। कितना दिन प्रेम प्रसंग चल रहा है? 2.5 साल से। आपका नाम क्या हुआ? नाज। घर कहाँ हुआ? फजलपुर खास। थाना? नसीबाबाद। पिताजी का क्या नाम हुआ? रफीक अहमद। आप दोनों इस शादी से खुशी हैं? जी। हम लोगों को मेरे पेरेंट्स से खतरा है, अगर हम उस साइड जाए तो हम लोगों को मार सकते हैं, और जो उन्होंने पुलिस में दरख्वास्त लगाई है वो सब झूठियां। और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। हम लोगों ने समस्तीपुर जिले में शादी कर लिया। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पी न्यूज।